उत्तराखंड सरकार द्वारा लाई गई नई फिल्म नीति 2024 के बाद राज्य में फिल्मों के निर्माण में तेजी आई है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पारित नई फिल्म नीति में फिल्मों के लिए पहले अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज फिल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान हेतु सम्मिलित किया गया है। बंशीधर तिवारी ने यह भी बताया कि उत्तराखंड की नई फिल्म नीति से आकर्षित होकर देश विदेश के कई फिल्म निर्माता और निर्देशक यहां आ रहे हैं। फिल्म जगत से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि वे सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और उत्तराखंड की समृद्ध फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने में अपना सहयोग दें। इसलिए बनाया ताकि कोई फिल्म शूट करने अगर आता है तो एक क्लिक पर उसको सारी सूचना मिल जाए, साइट्स कहाँ हैं, लोकेशंस कैसी हैं, उसके अगल बगल रहने के लिए कोई हमारा होटल या गेस्ट हाउस है कि नहीं, और साथ ही साथ जो हमारे टैक्सी के सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके डिटेल्स, जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनकी डिटेल्स, पूरा उसका हम लोग एक डायरेक्टरी बना रहे हैं ताकि कोई फिल्म शूट करने आए उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा फिल्म जगत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि यह डायरेक्टरी उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य के फिल्म निर्माण से जुड़े विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों और संस्थानों की जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। इस फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी में फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री और तमाम हस्तियां और संस्थानों की विस्तृत जानकारी को संकलित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए एक गूगल फॉर्म भी तैयार किया गया है जिसमें फिल्म से जुड़े सभी प्रतिभाओं से उनकी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है। देखिए, जो नई फिल्म नीति हम लोगों ने बनाई है उसमें एक तो उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग्स बढ़े इसके लिए सब्सिडी जो है फीचर फिल्मों के लिए बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए और जो स्थानीय फिल्में हैं उनको सब्सिडी बढ़ा के 2 करोड़ रुपया किया है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के स्थानीय कलाकार हैं उसमें अगर कोई फिल्म निर्माता उन स्थानीय कलाकारों को अपनी फिल्म में जगह देता है या काम देता है तो उसके लिए हम लोगों ने उनको अलग से सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है और इसीलिए किया है कि जो चाहे हमारे फिल्म के आर्टिस्ट हों, चाहे कंपोजिंग का काम करते हों, चाहे एडिटिंग का काम करते हों, किसी भी तरह का अगर उत्तराखंड के स्थानीय युवकों को अपने यहाँ काम देते हैं तो उसमें हम लोग उनको अलग से सब्सिडी देंगे।